सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कथित माटी कौभाड मामले तपास कमिटी की बीजी बैठक मिली थी। आ बैठक में माटी प्रकरण में 7 कर्मचारियों निवेदन नोंधवामां आव्या। शारीरिक शिक्षण विभाग कर्मचारियों निवेदन नोंधवामां आव्या छे। आ बैठक में कोच ने कॉन्ट्रेक्टर सहित लोग गैरहाजर रहा। तबियत सारी न होवानुं बहानुं हाथ धरी तमाम गैरहाजर रहा। आपने जणावी दीए कि यूनिवर्सिटी में माटी नाखवाना बहाने खोटा बिल रजू करवामां आवता हता। माटी नाख्या विना आज रूपया 7,05,000 बिल ने पास कर देवामां आव्या। ऑडिट विभाग ने शंका जता माटी नाखनार ट्रेक्टर नंबर ने आधारे समग्र कौभाड़ो पर्दाफाश थयो हतो। यूनिवर्सिटी ऑडिट विभाग की तपास में बिल में जे नंबर आपवामां आवता हता ते ट्रेक्टर ने बदले कार नो होवानुं सामे आव्युं, जे बाद समग्र कौभाड़ो पर्दाफाश थयो। खोटा बिल बनावीने आचरवामां आवता कौभाड़ पाछळ कोण जवाबदार छे तेने लई यूनिवर्सिटीए तपास कमिटी की रचना करी। आ कौभाड केवी रीते आचरवामां आव्युं, कोण मुख्य आरोपी छे अने कोनी देखरेख हेठळ आ षड्यंत्र करवामां आव्युं छे तेने लईने तपास कमिटी हाल तपास करी रही छे। शनिमेड संवाददाता फोनलाइन पर जोड़ाया छे। शनि, माटी कौभाड यूनिवर्सिटीनु आजे निवेदन नोंधवामां आव्या अने अमुक लोको गैरहाजर पण रह्या, कई दिशामां अने केटली तेज आ कमिटी तपास करी रही छे, लागे छे कोई जल्दी तथ्य सामे आवशे आ कौभाडने लई? निश्चित रीते बात करूं तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कथित माटी कौभाड़ो मामलो है तेमा तपास कमिटी की आज बीजी बैठक मिली थी। माटी प्रकरण में 7 कर्मचारियों ने नोंधवामां आव्या हता। तो बीजी तरफ जे कोच कॉन्ट्राक्टर सहित गैरहाजर रह्या हता, जे जतीन सोनी है ते पण जे रजा पर उतरी गया है त्यारना ज अनेक सवालों से उठी रहा है। बीजी तरफ कोच जे छे तेने कॉन्ट्राक्टर ने रीतना गणवामां आप्या हता, जे ट्रेक्टर ना फेरावो तेना बदले अल्टो कार त्यांथी निकली हती। बीजी तरफ बात प्रमाण तो नायबदार तबियत ने कारण बानू धरी गैरहाजर रहा हो तपास कमिटी ने आदेश करो। बीजी जेटना शारीरिक शिक्षण विभाग कर्मचारी निवेदन नोधता अत्यार तपास कमिटी द्वारा अनेक खुलासाओ सामे आव्या छे। आगामी समय में जयरे तीजी बैठक मळशे त्यारे शू नवा खुलासा सामे थशे अने पोलीस फरियाद थशे ये पण महत्वनी बाबत बनशे। जी बिल्कुल शनि, धन्यवाद समग्र जानकारी माटे।